ये 5 साल पहले 1 जुलाई को बड़े ही जोर शोर के साथ GST लॉन्च हुआ था और तब से लेकर अब तक सुधार का दौर जारी है। अभी तक कई मुश्किलें आ रही हैं और दूर हो रही हैं, जिनमें से सबसे बड़ी है राज्य और केंद्र के बीच अभी तक ठीक तरह से तालमेल जो है वो नहीं बन पाया है। वही चंडीगढ़ में इस बार GST काउंसिल की बैठक हो रही है, जिसमें उम्मीद है कि इस बार ये दूरी कम हो सकती है। बहरहाल तमाम मुद्दों पर करेंगे चर्चा और जानेंगे कि आखिर क्या है इस बार की GST काउंसिल मीटिंग की खास बात, लेकिन पहले देखते हैं रिपोर्ट। ये तस्वीरें हैं चंडीगढ़ में GST काउंसिल की 47वीं बैठक के पहले दिन की, जो इस बार काफी खास है क्योंकि करीब 6 महीने बाद हो रही इस बैठक में कई बड़े फैसले होने जा रहे हैं जो GST के लिए इस बार मील का पत्थर होने जा रही है, जिनमें राज्य और केंद्र के बीच उठाए गए GST मुआवजे की अवधि खत्म हो रही है और यही वजह है कि राज्य GST मुआवजे की अवधि बढ़ाने का मुद्दा जोर शोर से उठा रहे हैं। नेचुरली दिस मीटिंग विल डिस्कस अबाउट दी पीरियड ऑफ कॉम्पेंसेशन टू द स्टेट्स। आई थिंक दैट आल्सो विल कम इनटू द फोर। मेनी अदर एजेंडास आर देयर, लॉट ऑफ एजेंडा इज देयर, लॉट ऑफ आइटम्स आर देयर, so we'll discuss about that some so this issue also we want to raise because the extension of the period of compensation not only Kerala almost all states are demanding for that. Iske alawa online gaming cryptocurrency par tax lagane ka faisla ho sakta hai. Baithak mein online gaming casino aur ghodo ki race par 28% GST lagane ka faisla kar sakti hai. Parishad ke sadasyon ne is par pehle hi sifarish kar di hai. इसी तरह रेस कोर्स में लगने वाली पूरी रकम भी GST के 28% वाले दायरे में लाने पर भी मंथन होगा। ऑनलाइन में प्रिफरेंस का चांस है ना, ऑनलाइन बिजनेस बहुत है अभी इंडिया में और उसमें GST कभी कभी इवेट हो सकता है, इवेट हो भी रहा है ऐसे लगता है। इसको प्लग करने के लिए कोई ठोस ना ठोस कोई कंक्रीट कानून बनाना चाहिए। इससे पहले ये चर्चा जोरों पर थी कि GST के स्लैब में बदलाव कर 12% के दायरे में आने वाले उत्पादों पर GST दर 15% किया जाना है, जबकि 18% वाले उत्पादों पर GST दर घटाकर 15% किए जाने का प्रस्ताव था। हालांकि महंगाई के दबाव में फिलहाल ऐसा होना कम लग रहा है और कई उत्पादों पर GST दरें बढ़ाने का फैसला आज टाला जा सकता है। ईटी नाउ स्वदेश। चलिए, समय थोड़ा कम बचा है लेकिन अभी भी हमारे साथ कुछ बातचीत करने के लिए गौरी चड्ढा, जो कि टैक्स एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरी, मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि क्या उम्मीद करी जाए। देखिए, एक तो हम बात कर रहे हैं कि जो आपस में GST कॉम्पनसेशन की बात है, जो एक स्टेट्स और सेंटर का मामला है, क्या उसमें कोई बड़ा फैसला आपको आते हुए दिख सकता है इस मीटिंग में? बिल्कुल, देखिए, जो कॉम्पनसेशन सेस की हम बात कर रहे हैं, इसमें जब GST लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 को, तो उसमें कहा गया था कि 5 साल तक हम स्टेट्स को कंपनसेट करेंगे जो भी उनको लॉस हो रहा है GST आने की वजह से, यानी कि जो पहले टैक्सेस चलते थे VAT, सर्विस टैक्स, एक्साइज और तरह तरह के टैक्सेस थे, वो हटा के जो एक टैक्स ले आए GST, उसके वजह से जो स्टेट्स को लॉस हो रहा है उसको 5 साल तक सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा था कि हम स्टेट्स को कंपनसेट करेंगे, जो समय अब 2022 में 1 जुलाई 2022 को खत्म हो जाएगा। तो अब बात चल रही है कि इसको और बढ़ाया जाए। मैं थोड़ा सा ब्रीफ दे देती हूँ कंपनसेशन सेस होता क्या है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता कंपनसेशन सेस क्या है। तो ये कुछ चीजों पे लगता है, एक्सपोर्टर्स पे नहीं लगता है, बट नॉर्मल जो बिजनेस कर रहे हैं उनके ऊपर लगता है, कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर लगता है, जैसे टोबैको के ऊपर लगता है, सिगरेट के ऊपर लगता है, कार्स के ऊपर लगता है, और ऐसी कुछ चीजों के ऊपर ये सेस लगता है। तो इसको बढ़ाने की बात चल रही है, हो सकता है इसको अगले कुछ साल तक दोबारा बढ़ा दिया जाए और इसको कलेक्ट करके स्टेट्स को कंपनसेट किया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गौरी। दरअसल हमारे पास समय थोड़ा सा कम बचा हुआ है, इसलिए हम इसको आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, लेकिन स्वदेश विशेष में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 89 स्वदेश और खबरों का सिलसिला यहाँ जारी रहेगा।